जारी है दोस्तों, 8 गेंदों पर 99 रन बनाने हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या सीन बनता है। और मुकाबला आज का दोस्तों बहुत ही दिलचस्प रहा, और इंडिया ने दोस्तों पहले बैटिंग की और 201 रन बनाया, बढ़िया शानदार दोस्तों पारी खेली। और यहाँ पर दोस्तों यूएई की टीम 18 ओवर 5 गेंदों पर 6 विकेटों पर 114 के रन पर पहुँच भी चुकी है, और दिलचस्प मुकाबला रहा है दोस्तों आज का। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने शानदार पारी खेली है दोस्तों, और इस वक्त दोस्तों देखा जाए तो रजीत जो है 6 गेंदों पर 5 रन के साथ दोस्तों खेल रही है, और इगोडेज ने आज शानदार पारी खेली दोस्तों यहाँ पर। और इगोडेज जो है उसने दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त बेहतरीन अंदाज से पारी खेली है, और 27 गेंदों पर 33 रन दोस्तों यहाँ पर बनाए हैं। दिलचस्प मुकाबला दोस्तों यहाँ पर जारी है, और 6 गेंदें दोस्तों बाकी हैं, और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या सीन बनता है दोस्तों इस वक्त। और आर रजीत इस वक्त दोस्तों यहाँ पर खेलते हुए, और इगोडेज और यहाँ वस्त्रकार ने 4 ओवर 1 गेंद पर 27 रन दिए, 1 विकेट हासिल की है। और अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या सीन बनता है। इसके बाद दोस्तों एक मैच और भी बाकी है, पाकिस्तान वीमेन, और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो है नेपाल वीमेन, इन दोनों के बीच में दोस्तों दिलचस्प मुकाबला होने वाला है शुरू इसके बाद। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट ओवर राधा यादव का दोस्तों शुरू हो चुका है, और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना रन मजीद बन पाएगा। 5 गेंदों पर 88 रन दोस्तों यहाँ पर बढ़ाना है आज के इस मुकाबले में दोस्तों। आज का मुकाबला दोस्तों बहुत ही दिलचस्प रहा है, और इंडिया ने दोस्तों आज पहले बैटिंग की और शानदार अंदाज से दोस्तों यहाँ पे रन बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखना होगा मजीद क्या सीन बनता है दोस्तों इस समय। यहाँ पर देखा जाए तो 2 छक्के दोस्तों यहाँ पर लगाए गए हैं, और 11 चौके दोस्तों यहाँ पर लगाए गए हैं, 2 छक्के और 11 चौके दोस्तों यहाँ पर लगाए गए दोस्तों दिलचस्प अंदाज के साथ। और इस वक्त दोस्तों यहाँ पर देखा है 4 गेंदों पर 85 रन दोस्तों यहाँ पर बनाने हैं, और यहाँ पर दोस्तों यूएई वीमेन और इंडिया वीमेन के बीच में दोस्तों यहाँ पर ये दिलचस्प मुकाबला इस समय जारी है। और अगर दोस्तों इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने दोस्तों 201 रन बनाया है 5 विकेटों पर, जिसमें शेफाली वर्मा ने 37 रन बनाए, समृद्धि बंद्रा ने 13 रन बनाए, हरमनप्रीत कौर कप्तान ने 66 रन बनाए, ऋचा घोष ने दोस्तों 64 रन बनाए, और इस तरह से शानदार पारी खेली। वहीं दोस्तों यूएई की बात की जाए, यूएई की जानिब से दोस्तों यहां पर ईशा रोहित ओझा कप्तान ने 38 रन बनाए, सबसे ज़्यादा रन बनाए, और दोस्तों तीर्था सातिश ने 4 रन बनाए, रिनीथा रजीत ने 7 रन बनाए, और इसके साथ दोस्तों धरनी धरका ने 5 रन बनाए, कविशा इकोडेज ने सबसे दोस्तों ज़्यादा दूसरे नंबर पर 34 रन बनाने और बैटिंग जारी है। और दोस्तों खुशी शर्मा ने 10 रन बनाए, और हीना ने दोस्तों यहां पर 8 रन बनाए, और इस तरह से रिथिका रजीत ने 6 रन बनाए दोस्तों। और दोस्तों यहां पर इस समय मुकाबला जारी है दोस्तों इस समय, और 4 गेंदों पर 85 रन बनाए यूएई की टीम ने दोस्तों। इससे पहले ये दोनों टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं, इंडिया वीमेन ने दोस्तों पाकिस्तान वीमेन टीम को दोस्तों परसों हराया था, और इस तरह से आज का मैच भी दोस्तों इंडिया की टीम जीतने जा रही है। दोनों मैच दोस्तों खेले हैं इंडिया ने और दोनों जीते हैं, और यूएई दोस्तों इससे पहले नेपाल से हार चुकी है और आज इंडिया से हार रही है। इस तरह से नेपाल की टीम ने दोस्तों 2 मैचेस हारे हैं, और यहां पर देखा जाए तो 19 ओवर 3 गेंदे हो चुकी हैं दोस्तों, 3 गेंदे यहाँ पर केवल बाकी हैं। अब देखते हैं 3 गेंदों पर कितना रन मजीद बढ़ पाएगा। 119 का रन हुआ है यूएई का। इससे पहले इंडिया ने बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए 5 विकेटों पर 20 ओवर्स में, शानदार दोस्तों यहाँ पर बारी खेली, और यूएई वीमेन दोस्तों 119 रन दोस्तों यहाँ पर बना चुकी है। तो दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर जारी है, 3 गेंदों पर 83 रन बनाए यूएई ने दोस्तों यहाँ पर, ये डॉट बॉल है, और यहाँ पर केवल 2 गेंदें बची हैं, 2 गेंदें दोस्तों यहाँ पर बची हैं इस वक्त। और यहाँ पर इगोडेज सामना करते हुए राधा यादव का दोस्तों 30 गेंदों पर 36 रन बना चुके हैं इगोडेज, और राधा यादव 3 ओवर 4 गेंदों पर 25 रन दे चुकी हैं दोस्तों, और 1 विकेट हासिल की है। और यहाँ पर दोस्तों इस वक्त दिलचस्प मुकाबला इस समय जारी है, और देखना होगा दोस्तों यहाँ पर क्या सीन बनता है इस समय। और यहाँ पर दोस्तों गेंद हवा में, इगोडेज ने शॉट खेला दोस्तों, सेकंड लास्ट बॉल है, 4 रन के लिए, शानदार बढ़िया दोस्तों। 12 बाउंड्रीज दोस्तों इस समय हो चुकी हैं, इगोडेज ने 31 गेंदों पर 40 रन दोस्तों यहाँ पर बनाए, शानदार बारी खेली है। और अब दोस्तों यहाँ पर 1 गेंद बाकी है। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान वीमेन और इसके साथ साथ जो है नेपाल वीमेन, इस इन दोनों टीमों के बीच में होने वाला है बढ़िया मुकाबला, और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या सीन बनता है। नेपाल ने पहले एक मैच जीता है, पाकिस्तान की टीम ने दोस्तों मैच हारा है, आज देखते हैं क्या सीन बनता है। अगर दोस्तों नेपाल की टीम आज पाकिस्तान से भी जीतती है
तो नेपाल की जीत टीम के दोस्तों मज़ीद ऊपर आगे बढ़ने के जो है ना चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों प्लेयर रन आउट हो चुकी है और दोस्तों मैच भी कंप्लीट हो चुका, और यहाँ पर दोस्तों इंडिया वीमेन मैच जीत चुकी है, यूएई वीमेन दोस्तों यहाँ पर इस मैच को हार चुकी है।